एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे अपन ने। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, तो इसके अपन है ना जो इजी दो सेक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर एक में टाइम पीरियड ये सब कुछ फाइन करना रहता है, ओमेगा ये सब, और एक और दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, वो भी बहुत इजी है। जब आपसे बोले फाइन दी टाइम पीरियड, वो जिसमें मैकेनिक्स आ जाएगी, वो रियली में टफ है, ठीक है। बट जो दो पार्ट्स हैं, जो इसका काइनेमेटिक्स वाला पार्ट रहेगा, दैट इज वेरी इजी सेक्शन, ठीक है। सो पहले एसएचएम क्या होता है, ये चीजें क्या है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले जब अपन मोशंस की बात करते हैं, सो वी हैव फर्स्ट थिंग वी हैव पीरियोडिक मोशन, ध्यान से याद रखना, पीरियोडिक मोशन, ये सारे के सारे डेफिनेशंस आपको क्लियर होने चाहिए, बच्चों ने पढ़ा होगा जरूर। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, हाँ भाई ट्राई करिए, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, वो है जिसमें बॉडी जो है या पार्टिकल जो है वो अपना मोशन रेगुलर इंटरवल्स पे क्या करती है, रिपीट करती है, सिंपल सी चीज है। तो इसमें डेफिनेशंस है, स्टार्टिंग के डेफिनेशंस अपन समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वी हैव व्हेन अ बॉडी रिपीट्स, अ पार्टिकल भी हो सकता है, रिपीट्स इट्स मोशन along a definite path, repeats its motion along definite path after regular interval of time, then this motion is called, periodic motion. Then this motion is called as periodic motion. Definitions आप लोग पता भी होगी आपको, अच्छा। अब ये पीरियोडिक मोशन कैसा हो सकता है, ये पीरियोडिक मोशन जो है आपका, इट मे बी, जो मोशन है इट मे बी लीनियर भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है, और कोई अदर शेप भी हो सकता है, और एनी अदर कर्व या शेप बोल सकते हो आप। इसके अंदर सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है बीच में सूर्य देवता और यहाँ पे धरती माता, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, पूरा एक चक्कर लगाने का, टाइम पीरियड कितना है, 1 year या 365 days, 365 days, 365 दिन, टाइम पीरियड शायद पहले अपन ने किया था ना, जैसे आपका वॉच है, ठीक है, या जो वॉल क्लॉक है वो भी क्या करता है, पीरियोडिक मोशन करता है, हर 12 घंटे में उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, जो आवर हैंड है,
गया इतना, सबने छाप लिया। देखो डेफिनेशन वाइज बहुत इजी सा सेक्शन है, इतना कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है ये। चैप्टर इजी है, देखो चैप्टर में जो बेसिक चीजें होंगी वो सबको क्लियर होनी चाहिए। जो एकदम एडवांस लेवल वाली चीजें हैं कि भाई यार ये बहुत ज्यादा रोटेशन मैकेनिक्स लग रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि रोटेशन डायरेक्ट पूछेगा इसके अंदर। आप इतना है 60-70% तो पार्ट इसका बहुत इजी है। बाकी रहा 30% जो कि जेई मेंस और नीट वालों को तो वैसे भी कुछ मतलब इजी से ही आएंगे, जो क्लास में गए वही एग्जाम्पल पूछ गए। अच्छा अब एक मोशन है ऑसिलेटरी मोशन, कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है? कोई गैसेस? नाम पढ़ रखा होगा आपने। व्हाट इज? वेरी गुड। सीधा सीधा एक टर्म यूज होता है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एंड ऑसिलेटरी मोशन। ध्यान सुनो, वो मोशन, चलो वो रहा भी आ गया, वो मोशन जो जैसे ये केस देखो, आप यहां थे, यहां गए, यहां आए वापस, इधर गए वापस, इधर आए, जैसे पेंडुलम वाला भी केस अपन ने पेंडुलम के बारे में पढ़ रखा है, वापस से यहाँ पे पढ़ेंगे पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, यहाँ पे वापस पढ़ने वाले अपन, टाइम पीरियड निकालेंगे। तो ये क्या होता है, एक ये पॉइंट जो है दिस इज मीन पॉइंट, मीन पॉइंट के अलोंग अप एंड डाउन कर रहा, मतलब टू एंड फ्रो कर रहा, आजू बाजू, या ऐसे हो सकता है ये मीन पॉइंट है, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, तो ऐसे भी टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे पेंडुलम बहुत सिंपल है, पेंडुलम, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें दो तीन चीजें हैं। पेंडुलम लिखा है इतना लिख लो, अभी इसी को अपन थोड़ा सा और इनडेप्थ पढ़ेंगे। आप लिया देखो, ये डिफरेंस बताना चाह रहा हूं, वो ध्यान से समझ लीजिए आप। अच्छा अब डेफिनेशन ध्यान से समझो, एनर्जी के बिहाफ पे, एनर्जी के बिहाफ पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ठीक है, दो टाइप के अपन इसमें करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, आवाज सही है भाई, आवाज एकदम सही। देखो एनर्जी के बिहाफ पे कितने पार्ट में है, दो पार्ट्स में, एक होता है चैप्टर ऑसिलेशन, क्या होता है डैम्ड ऑसिलेशंस, और दूसरा होता है अनडैम्ड ऑसिलेशन, अनडैम्ड ऑसिलेशन। तो अनडैम्ड ऑसिलेशंस में क्या होता है, अनडैम्ड ऑसिलेशंस में इसमें एनर्जी कंजर्व्ड होती है, क्या होती है एनर्जी कंजर्व, और इसके अंदर क्या है नो एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे ज्यादातर क्या होगा, झूला झूले है ना आप लोग, झूला झूले,
वो ऐसा आता है स्विंग, बीच में बिठा दो, ठीक है। तो अब ये झूला जो बंधा हुआ है, अब इसके अंदर पीछे किसी ने धक्का दिया, पीछे धक्का दिया, और पीछे धक्का दिया तो फिर क्या होगा, आप पीछे से आपको खींच के थोड़ा और पीछे लेके गया, फिर छोड़ दिया, फिर क्या करोगे, वो आपका आगे जाएगा, और वो क्या करेगा, ऐसे अप एंड डाउन होगा। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वो ऑसिलेशंस कम हो जाते हैं और वो स्टॉप हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, मेजोरिटी सारे डैम्ड ऑसिलेशन ही होता है, मेजोरिटी सारे डैम्ड ऑसिलेशन ही होते हैं। कुछ ना कुछ तो फोर्सेस लगेंगे जो आपके मोशन को रोक देंगे। जैसे आप हाथ में है ना कोई पेंडुलम लेके, बॉल लेके, उसको रस्सी से बांध के आपने थोड़ा सा ऐसा किया, तो नो डाउट करेगा, ज्यादा ऑसिलेशन होंगे, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर ये ऑसिलेशन डाई आउट हो जाते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ देम आर डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। कुछ होते हैं अनडैम्ड ऑसिलेशन, ये हाइपोथेटिकल केस है या एक आइडियल केस है, ठीक है। कुछ समय के लिए मान सकते हैं, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, हाँ भाई जरूर अनडैम्ड होता है। तो ये जो अनडैम्ड ऑसिलेशन है, ध्यान से सुनो, अगर ये जो झूला था एक्स इज इक्वल टू 0 से ये यहाँ यहाँ तक जा रहा था, एक्स इज इक्वल टू 2, ये एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अब इस केस में बेटा ध्यान से सुनना, जब ये यहां से झूला 2 पे गया, फिर वापस इधर आया, फिर इधर आया, फिर वापस आ रहा है, तो जब जब नॉन सॉरी जब एनर्जी कंजर्व होती है ना, तब ये मोशन होता है पीरियोडिक। ये जो डैम्ड सॉरी अनडैम्ड ऑसिलेशन होते हैं, ये होते हैं पीरियोडिक मोशन। क्यों? क्योंकि वो उसको इतने डिस्टेंस चलना है, वापस इतना आना है, फिर वापस जाना है, तो ये डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल है। तो जो टाइम लगेगा ना इसमें क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। कैसा होगा, पीरियोडिक। बट ये जो डैम्ड होता है ये क्या होता है, दिस इज नॉन पीरियोडिक। मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वल टाइम में वो जो है आपका टी, मतलब मान लीजिए इसका टाइम पीरियड जो है, मान लीजिए टाइम पीरियड 8 सेकेंड है, मतलब यहां से इधर स्टार्ट हुआ तो इधर गया 8 सेकेंड बाद वापस आएगा, इधर गया वापस 8 सेकेंड में इधर आएगा। ये कब, जब आपके एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं हो रहा। बट अगर एनर्जी में लॉस हुआ तो पहली बात तो ये कि ये 2 पे पहुंचेगा ही नहीं, पहली बार इधर गया फिर यहीं पे जाके रुक जाएगा। इसके अंदर ये नॉन पीरियोडिक होता है, ये पीरियोडिक होता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एनर्जी लूज हो जाएगी, एनर्जी लूज हो जाएगी, एनर्जी लूज हो जाएगी, तो जो एम्पलीट्यूड है वो पूरा एम्पलीट्यूड नहीं होगा, एम्पलीट्यूड नहीं होगा तो टाइम कांस्टेंट नहीं रह सकता। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? मैं बेसिक से टर्म्स है, ओके छाप लो। दो दिन मजे हो गए तुम लोग के, सैटरडे भी एक क्लास, संडे कोई क्लास नहीं, भयंकर पढ़ाई हो गई ना 2 दिन। ज्यादातर डन लिया, क्या ओके okay। ओके okay। ठीक है, हम एक जो असर्शन रीजन है, ट्रू और फॉल्स आता है, तो नीट वालों बच्चों के लिए, ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी, ट्रू और फॉल्स।
ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेट, ट्रू और फॉल्स? हाँ भैया, नीट वाले मिताली रिद्धि हिमेश प्रथमेश साक्षी, ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी। शर्वरी, एग्जाम्पल से देख के कर लो। श्रावणी भाई साहब, थोड़ा सोचो, बाकी जनता नहीं कर रही क्या? इतना खतरनाक सवाल है, कुछ निकालने थोड़ी बोला है। 50% चांस है आपका सही होगा या गलत हो जाएगा, दो ही तो आंसर है, ट्रू होगा या फॉल्स। तो देखो, सारे पीरियोडिक मोशन क्या ऑसिलेटरी होते हैं क्या? जैसे ये सूर्य देवता और उसके यहाँ पे पृथ्वी मंडरा रही है, ठीक है? तो अब ये देखो ध्यान से, देखो ये पॉइंट है, अब ये इधर गया इधर गया इधर गया, क्या ये टू एंड फ्रो हुआ क्या? ऐसा गोल चक्कर मारना, क्या ये टू एंड फ्रो है? नहीं, टू एंड फ्रो कब होता? जब आगे जाता फिर वापस पीछे आता, आगे गया फिर वापस पीछे आया, तो टू एंड फ्रो होता। ये तो पीरियोडिक मोशन है। जैसे घड़ी है, आपके घर पे वॉल क्लॉक होगी, तो उसका क्या होगा? वो इधर से जाके 3 बजाया, फिर वापस उल्टा चल रही है, उल्टा चल रही है, 12 बजाएगी, 11 बजाएगी, फिर 10 और फिर 9, आगे भी जा रही है फिर पीछे भी जा रही है, वो टू एंड फ्रो है, तो ये फॉल्स। अरे बच्चों, जिन्होंने ट्रू बोला था, क्या समझ में आया? जैसे अर्थ वाला सिस्टम है, अर्थ ऐसे थोड़ी है कि पहले मतलब क्लॉकवाइज घूम रही है फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, नहीं ना, वॉच के केस में भी। समझ में आया? फॉल्स, रीजन देगा, ये असर्शन दे देगा, फिर कुछ रीजन दे देगा, ठीक है? तो ये एक दूसरा देखो, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। सब्जेक्टिव सवाल आ गए तो एग्जाम में बताओ, ऑल ऑसिलेटरी मोशन। वेरी गुड, कार्तिक ने जवाब दिया, दो लात और दो घूंसे खाएगा कार्तिक, सोच ही नहीं रहे। अरे ऑल ऑसिलेटरी मोशन ये तो मैंने पीछे लिखा रखा है, ट्रू कौन बोल रहा है भाई? ये भी फॉल्स है, हे भगवान, ये भी फॉल्स है। क्यों? ऑसिलेटरी मोशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एनर्जी के बेसिस पे अगर अपन क्लासिफाई करें तो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ये जो अनडैम्प्ड होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, डैम्प्ड वाले नॉन पीरियोडिक होते हैं। तो क्या बोला है? ऑल ऑसिलेटरी मोशन फॉल्स। समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। बढ़ जाऊं आगे? ठीक और ये चैप्टर इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है, पूरा आपका एसी अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करेंट्स, ठीक है, अल्टरनेटिंग करेंट्स है, आगे के जो भी है वेव्स है, ठीक, पूरा इसी पे डिपेंड करता है, वेव ऑप्टिक्स इस पे डिपेंड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, और अच्छे से समझिए इसको। तो जो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, तो स्पेलिंग गलत दिख रहा हूं मैं, बट यार समझ लेना है ना, जो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो एक इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं। अगर वो कैसे है, ऑसिलेटरी जो मोशन है
अगर एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है, तो उनका एक इक्वेशन आता है, जनरल इक्वेशन, उसके फोर्स की इक्वेशन होती है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर एन। ठीक है, यहाँ पे एन 1, 3, 5, 7, समझ गए आगे क्या होगा, 9, ऐसे होते हैं। और के क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और एक्स क्या है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर एन, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर एन। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस करते हैं अपन, ये क्या है, ये फोर्स इक्वेशन है फॉर ऑसिलेटरी मोशन, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो अब ये स्पेशल केस क्या आता है, स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन में, इफ एन इज इक्वल्स टू 1, जब एन की वैल्यू 1 होती है, तो एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सबसे सिंपल इक्वेशन है, सबसे सिंपल ऑसिलेशन ऑसिलेशन है, तो इस वजह से नाम पड़ा सिंपल हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब टू एंड फ्रो। ठीक है, हार्मोनिक जो है अपन आगे भी पढ़ेंगे, साउंड वेव्स पढ़ेंगे, तो हार्मोनिक्स होती हैं अलग अलग, तो उसके बारे में और पढ़ लेंगे। तो ये टू एंड फ्रो हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ लगा, ज्यादा दर्शांगा। एकदम, अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन काइनेमेटिक समझेंगे इसकी, अभी फिलहाल अपन SHM की काइनेमेटिक समझेंगे। ठीक है, सबने छाप लिया तो फिर लिख लीजिए SHM, SHM तो लिखे, इफ जो क्या आया, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अच्छा ये बताओ, ये इक्वेशन कहाँ पढ़ी थी, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, कहीं पढ़ पढ़ रखी है अपन ने, ऐसे सिमिलर कुछ पढ़ रखा है। वेरी गुड, वो कैसे होता है, स्प्रिंग का मैंने बताया था ना, स्प्रिंग को, ऐसा स्प्रिंग है, आप उसको ऐसे मास लगा के छोड़ दो, मास लगा के छोड़ो तो ऐसे अप एंड डाउन करती रहती, या उसको ऐसे लगा के ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दिया आपने, और फिर थोड़ा सा फोर्स लगा के छोड़ा, तो टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करें। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक कर लिख लीजिए, इफ दी रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन दी बॉडी इन ऑसिलेटरी मोशन, इन ऑसिलेटरी मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, टू द डिस्प्लेसमेंट
displacement directly proportional to the displacement of the body and is directed always towards equilibrium position, then is SHM. समझ में आ गया क्या था? F is equals to minus kx. इसी को बताया उसने. If the restoring force acting on the body in oscillatory motion is directly proportional to the displacement of the body and is directed towards the equilibrium position. सर ये समझ में नहीं आया, ये पॉइंट नहीं समझ में आया क्या? देखो ये माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन का मतलब स्प्रिंग वाले में याद था आपको, ये बॉडी है यहाँ पे, ये मान लो मीन पोजीशन मतलब एकदम मस्त, एकदम आराम से फैल के बैठा हुआ है, इसको कोई झंझट नहीं है. बट आपने इसको आगे किया, अगर जैसे ही आपने इसको आगे x is equals to x not आगे लेके गए, फोर्स किधर लगेगा? अगर मैंने इसको फॉरवर्ड पुश किया तो फोर्स किधर लगेगा? ये जीरो, ये x पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव. यानी कि ये कैसे हो रहा है? ये इसका मीन पोजीशन है. ये क्या है? मीन पोजीशन मतलब वो जिसके अंदर वो आराम से मस्त फैल के बिना टेंशन के बैठा हुआ है. ठीक है, आपने उसको डिस्टर्ब किया, आप आगे लेके गए तो ये x पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव तो ओवरऑल क्या हो गया? नेगेटिव मतलब फोर्स पीछे. तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है? ये मीन पोजीशन पे क्या होता है? फोर्स जीरो. अब क्या हुआ अगर आप उसको यहाँ पे खींच लो तो ऐसे. अगर आप उसको पीछे खींच लोगे, अगर पीछे खींचोगे तो क्या होगा? एक्स नेगेटिव यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट आ जाएगा. जैसे ही माइनस एक्स नॉट आया तो ये फोर्स क्या है? माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव. फोर्स किधर डायरेक्टेड होगा? फोर्स आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा. इधर फोर्स किधर था? पीछे की तरफ. इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? ये आप पीछे लिए तो फोर्स आगे की तरफ. क्लियर है क्या? जो भी डेफिनेशन आपने स्प्रिंग वैसे तो पढ़ रखा है तो इतना कोई इशू नहीं आया होगा आपको. छापा लौकर छापा एकदम मस्त है. काइनेमेटिक तो बहुत ही आसान है इसका. हुआ ठीक है, बहुत इजी सेक्शन है शुरू वाला तो. अच्छा अब ये SHM जो है इसके कितने टाइप होते हैं? SHM बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड है. टाइप्स ऑफ SHM पहले SHM के टाइप बता देता हूं मैं. SHM बेसिकली एक है आपका लीनियर SHM. ठीक है, लीनियर SHM में क्या होगा?
ये x इज इक्वल टू जीरो मेन पॉइंट होगा, बॉडी यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और यहाँ वापस आएगी। सर ये नीचे जा रही है बॉडी, बताओ SHM में, मतलब नीचे थोड़ी जा रही है, बस टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है उसका, बस टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है, लीनियर मोशन। अब दूसरा क्या है, दूसरा है एंगुलर एसेशन, दूसरा क्या है एंगुलर एसेशन। ध्यान से सुनना, अगर कभी आपने, कभी आपने ध्यान से सुनना, अगर ये देखो वीडियो दिखाई दे रहा, अभी दिखाई दिया, देखो लीनियर में क्या है, ये मेन पोजीशन है, बॉडी क्या कर रही है, जैसे मान लो ये मेन पोजीशन है, बॉडी इधर गई, इधर ऐसे नहीं है कि रुक जाती है, बॉडी ऐसे ऐसे मोशन कर रही है, लीनियर मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा एंगुलर कौन सा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है लीनियर मोशन, या तो ऐसे कर सकती है ऊपर नीचे, ये लीनियर। सर एंगुलर क्या होता है, ध्यान से देखना, अगर आपने ये चीज करी हो, किसी चीज को धागा बांधो और उसको, या ऐसे देख, ये देखो माउस, ठीक है। अब इसमें अगर आपने कभी देखा, इसको ऐसे घुमाओ और छोड़ो, ठीक है, ये तो खैर इतना नहीं हुआ, धागा रहेगा जो थ्रेड रहेगा उसे कुछ घुमाओ और उसको छोड़ो, तो देखो ऐसे ऐसे, अगर ये मोशन ऐसे से कर, मोशन समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। तो ये कैसा है, ये ना, ये लीनियर नहीं है, अप एंड डाउन नहीं है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ऑसिलेट कर रहा है, बट दैट इज एंगुलर, कोई एंगल इधर घूम रहा है, फिर इधर घूम रहा है, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो इसमें लिख लीजिए दो तीन पॉइंट्स हैं। अरे समझ में आया, लीनियर और एंगुलर, एंगुलर बहुत कम है, एंगुलर ज्यादा डिस्कशन थोड़ा कम ही रहता है उसका, बट डिस्कस करेंगे बाद में। तो इसमें क्या है, व्हेन बॉडी, व्हेन बॉडी इज फ्री टू रोटेट, फ्री टू रोटेट अबाउट, अबाउट अ गिवन एक्सिस, गिवन एक्सिस एग्जीक्यूटिंग एंगुलर ऑसिलेशंस, ठीक है, लीनियर समझ में आता ही है, लीनियर तो समझ में आता ही है ना, लीनियर है, समझाने का मतलब फील तो आई गया, एंगुलर का फील आई गया, ये तो सारे जो डेफिनेशन है, टू एंड फ्रो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, टू एंड फ्रो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हो गया। तर सांगा, काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे, बहुत इजी है, सबको समझ में आएगा, और इसके क्वेश्चन आए तो पक्का ही आप करोगे, बहुत बढ़िया। बेटा मैसेज कहाँ करना है, जीपी सर मैसेज में करना है ना, देवांश, ठीक। सो अभी थोड़ा इसको, इक्वेशन को थोड़ा और एनालाइज करता मैं, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ SHM, तो इक्वेशन में फोर्स क्या था, फोर्सेस माइनस के एक्स है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली क्या आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस में,
चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान समझो। सो क्या ही था इसमें, टू एंड फ्रो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन व्हेन अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट। ठीक है, तो आप ध्यान सुनो, इसको मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज माइनस के एक्स। ठीक, ओके। एक्सेल वेलोसिटी क्या होती है, कोई बता सकता है? व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड टी? डीएक्स बाई डी टी, बहुत बढ़िया, डीएक्स बाई डी टी। व्हाट इज एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वी, व्हाट इज एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वी? फटाफट फटाफट, सब काइनेमेटिक्स का पार्ट है, डीवी बाई डी टी। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डबल डेरिवेटिव। किसका डबल डेरिवेटिव है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी बाई डी टी, वी कितना आया, डीएक्स बाई डी टी। अरे बोलो, तो ए को क्या लिख सकता हूं, डी, ये लिख सकता हूं ना, वी डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, तो मास, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन डी एक्स स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या दिमाग लगाया, यहाँ पे ये ए था उसको मैंने एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट मार दिया। ठीक है, तो सबको एम से डिवाइड मारो, एम से डिवाइड मारा, सो आई एम गेटिंग दिस के बाय एम एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये एक्स कौन वेरिएबल है और यहां पे अपना डबल डेरिवेटिव आ रहा है। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। एस एच एम का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ध्यान से सुनो, इस चीज को क्या लिखते हैं, ये जो के बाई एम है ना, के बाई एम ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस के एम एक्स, ये आपका डेरिवेटिव इक्वेशन है। इसको ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसको ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज के बाई। तो ये इक्वेशन आगे से याद रखें, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको रट लें, ये रट लें, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा इज रूट अंडर के बाई एम। जितनी जरूरत है वो पढ़ा दी मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया, पहले एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा, फिर एफ इज इक्वल टू एम ए है, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हो गया था, बताओ,
वेदांत, वेदांग, वेद, विदुषी, विनीत, यश, युक्त। अच्छा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें कितना होता है? क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपने पास में कुछ रूट्स आएगा। तो अगर रूट्स आएगा तो ध्यान से समझिएगा, ये मेरे पास में एक इक्वेशन है, ये मेरे पास में इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका रूट्स क्या आएगा, एक्स की क्या वैल्यू हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक्स की क्या वैल्यू हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो एक्स की वैल्यू आती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, SHM इक्वेशन। तो x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, ये सॉल्यूशन है, ये वैल्यू है x की जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर आपका x ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये सेटिस्फाई करता है, देन योर इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कोई SHM परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब ये ए बे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ए एम्पलीट्यूड, टी टाइम, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, पाई नॉट, ये सब अपन लिखेंगे। अच्छा, एक सबसे पहले प्रियांशु माइक ऑन करो बेटा। ए साइन ओमेगा टी इसका डेरिवेटिव बताओ बेटा। ए साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव प्रियांशु बताओ बेटा। ए साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव नहीं, अमोक तुम बताओ बेटा। ए साइन ओमेगा टी टाइम के रिस्पेक्ट में, ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ये ए कॉस ओमेगा टी रहेगा, कुछ और भी आएगा बेटा? देखो घुस के मारना है, घुस के मारना है तो ए तो कांस्टेंट, साइन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर ओमेगा टी के अंदर ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा भी तो रहेगा, फिर इसका डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव किया तो ये तो बाहर आ गया, ए और ओमेगा बाहर आ गए। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, फिर क्या करेंगे ओमेगा, ये कॉस को किया अब ओमेगा टी को करना है तो ओमेगा टी करें तो ओमेगा आएगा, तो ये कितना आएगा, दिस इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्या बात समझ में आ रही, ये बात सबको समझ में आ रही? ठीक तो ये देखो, अब डबल डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स करके देखो, ये डबल डैश कितना आया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, बहुत बढ़िया। फिर प्लस ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी, कितना आ जाएगा आंसर, कितना आएगा आंसर? आपने क्या किया, डबल डेरिवेटिव प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स किया, ये वैल्यू जीरो आनी चाहिए, क्या जीरो आ रही? हाँ क्या सबको आ रही है क्या ये? कितों को नहीं चमका? अरे बस इक्वेशन ये रट गई तो बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने यार ए साइन ओमेगा टी एक्स लिया तो उसका पहला डेरिवेटिव ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, सर ओमेगा क्यों आया बेटा, चेन रूल, देखो टी किसके साथ है ओमेगा के साथ, और ओमेगा टी किसके अंदर है साइन के अंदर, तो सबसे बाहर साइन का डेरिवेटिव, फिर ओमेगा टी का, तो ओमेगा बाहर आ गया, फिर वापस डिफ्रेंशिएट करो तो ए ओमेगा बाहर, कॉस
कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी और फिर ओमेगा बाहर निकला, ठीक है। फिर ये कितना है, ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। कितनों को समझ में आई है? अरे यही है, डबल डेरिवेटिव प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इफ इट इज गिविंग यू जीरो देन इट इज अ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिर्फ समझाने के लिए कि भाई इसका सॉल्यूशन आएगा, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे तब पता चलेगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मेरे पास में आंसर दिया हुआ था, मैंने आंसर से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करने का ट्राई किया, हाँ भाई आंसर सही है, एक्स की वैल्यू ये थी, मैंने फाइव को जीरो मान के डिफ्रेंशिएट किया, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन किया और उसको इस इक्वेशन में डाल दिया। जैसे मान लो आपको बोले एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, सही है ना, दिस इज इक्वल टू जीरो, आपको बोले इसके रूट्स बताओ, तो इसके रूट्स कितने आएंगे, इसका रूट कितना आएगा, अरे इसका रूट कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी वैल्यू होगी तक ये जीरो आए, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस वन है तो इसमें माइनस वन डाल के देखो, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस वन, व्हाट इट गिव्स यू, इट गिव्स यू जीरो। तो वही है, मेरे पास एक्स आया, मैंने एक्स का डबल डेरिवेटिव किया और फिर इक्वेशन में डाला, बोले हाँ यार जीरो आ गया। एक तो आपको इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आपको सॉल्यूशन पता था, और सॉल्यूशन पता था तो मैंने सॉल्यूशन को इक्वेशन में डाल के देखा, इक्वेशन में डाल के देखा, हाँ भाई जीरो मैच हो रहा, मतलब सही सॉल्यूशन। अगर नीचे वाला समझ भी नहीं आ रहा, कितनों को नहीं समझ में आ रहा, बायो वाले बच्चों को तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, कैलकुलस पढ़ी नहीं होगी, अरे बस इतना याद रख लो, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम, बस 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 इतना ही है, इतना ही है। अब इसके सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे से चमक जाएगा, ये जुगाड़ है, आपको सॉल्यूशन पता है, वो सॉल्यूशन सही है कि नहीं उसको चेक करने का तरीका। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखो, आपने वेव्स में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है अपने पास में, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको एक लीनियर एसएचएम से समझो, मेरे पास में ये x इज इक्वल्स टू जीरो है, ये x इज इक्वल्स टू ए है, ये x इज इक्वल्स टू माइनस ए, ध्यान से समझना, ये होता है मीन पोजीशन, ये क्या होता है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो, अब क्या होता है, आपने इसको ऑसिलेशन दिया तो ये क्या करेगा, ये यहां से स्टार्ट होके इधर जाएगा, अब इधर जाके क्या होगा, इसको क्या करना है, पीछे जाना है, अगर इसको पीछे जाना है तो ये यहां से ऐसे पीछे जाएगा, पीछे गया, यहां पे क्रॉस किया इधर मेन पोजीशन, अब ये रुकेगा नहीं, ये सीधा यहां जाके इस वाले एंड तक जाएगा, इस वाले एंड पे जाने के बाद में ये क्या करेगा, वापस इधर आएगा, ठीक है। सो आपके पास में ये जो पॉइंट है, ये जो है, इसको मेन पोजीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन।
ये क्या है, दिस इज एक्सट्रीम पोजिशन, ये भी क्या है एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन, ये क्या है, ये x इज इक्वल्स टू जीरो है, मीन पोजिशन, ठीक। बॉडी हमेशा कहाँ डायरेक्टेड होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजिशन, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से इधर गया, फिर इधर, फिर रिवर्स बैक, रिवर्स बैक, फिर अगेन पलटी मार के यहां पे आ गया। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर SHM कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो देखें। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स यही तो है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। कितनों को समझ में आया? मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है वही क्या है आपका एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा? इसके दो तीन तरीके हैं। एम्पलीट्यूड इज मॉड ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन माइनस मेन पोजीशन, या ऐसे भी कर सकते हैं हाफ हाफ इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पोजिशंस। कॉपी कर लो। क्या मैसेज करो छोटे मोटे ग्राफ, एकदम सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, इक्वेशन दे देगा, बोला बताओ एम्पलीट्यूड कितना है, ये एम्पलीट्यूड होता है। नेक्स्ट हो गया ना सबका? नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो। इक्वेशन क्या थी? एक्स इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए पता चल गया। नेक्स्ट वी हैव एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? ध्यान से सुनो, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, याद है ये कितना करते थे अपन? टू पाई, ये क्या करते थे अपन? टू पाई बाय
कैपिटल टी, ये क्या करते थे अपन, टू पाई बाय कैपिटल टी, याद है ये? हाँ इसको टू पाई एफ कर सकते, इसको टू पाई एफ कर सकते, इसको टू पाई एफ कर सकते हैं। ये क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसका यूनिट कितना आता, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। फिर फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एफ इज इक्वल्स टू वन बाय कैपिटल टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओमेगा बाय टू पाई, इसका रिवर्स, इसका रिवर्स हो गया ना, ओमेगा बाय, इसका यूनिट क्या है, यूनिट इज सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। सब कुछ पढ़ रखा है पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ये वेव्स में वापस सब आएगा। टाइम पीरियड क्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब, दिस इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। यार पहले कॉमन से डेफिनेशन है ये तो, ठीक। ओके नेक्स्ट, तीन हो गए ना, सब चिंदी चिंदी डेफिनेशन है यार, तो सब आपको पता है, ना भी लिखाओ तो भी चल जाएगा। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड, द टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, वन बाई एफ। क्या इतनी बात क्लियर है आपको, ये सभी से हो गया सभी से हो गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब कुछ लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं, इनका अच्छे से जवाब दीजिएगा, जो भी लॉजिकल सवाल है उनका अच्छे से आपको जवाब देना है।
ठीक है। सो इसी को थोड़ा और अच्छे से मैंने एनालाइज किया, ये x इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, बॉडी यहां से ऐसे जा रही, सॉरी फिर ऐसे जा रही, मैं इसको थोड़ा ना सही कर लूं वापस, बॉडी यहां से इधर जा रही और फिर वापस जा रही, ठीक है। हाँ हाँ ये नया सेक्शन है, वेव्स के अंदर आता है। तो यहां ध्यान से सुनना, ये x इज इक्वल्स टू a, ये x इज इक्वल्स टू माइनस a, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको समझ में आके मजा आ जाएगा। अच्छा आपको ये बोले कि ये तो मेन पोजीशन है, ये अगल बगल वाली क्या है, अगल बगल वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, ये अगल बगल वाली एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक। सो जब भी बॉडी ने यहां से मोशन स्टार्ट किया, जब भी बॉडी ने यहां से मोशन स्टार्ट किया तो क्या होगा, x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो से बॉडी यहां गई, आगे गई, आगे गई, और यहां पे ये पलट रही है, ध्यान से सुनो, दिस इज मेन पोजीशन, बॉडी आगे जा रही थी, आगे जा रही थी, फिर ये बॉडी पलट रही है, पलटेगी कब, ये पलट क्यों रही है आगे, पीछे की तरफ, क्योंकि फोर्स किधर है, फोर्स पीछे की तरफ है, बॉडी की वेलोसिटी यहां थी और फोर्स पीछे है। देखो ध्यान से, यहां जब मैं आपको दिस इज ए एंड लेट्स से दिस इज बी, ठीक है, पॉइंट बता रहा हूं, From A to B, A to B, ध्यान से सुनो, velocity की direction किधर है, सोनी माइक ऑन करो, सोनी नहीं है क्या, A से B body किधर की तरफ जा रही, velocity किधर है, B की तरफ, right side, हाँ, acceleration किधर है, A की towards, left side, मतलब left side, तो बॉडी क्या हो रही होगी, रिटार्ड हो रही है, डीएक्सेलरेट उसका, सॉरी उस पे डीएक्सेलरेशन लग रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रही, वेलोसिटी इज रिड्यूस, अगर वेलोसिटी रिड्यूस मार रही है, देखो ये डायरेक्शन हो गई, ये ओवरऑल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, कितनों को समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया क्या, देखो ए से बी ये एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रही है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रही, तो एक्सेलरेशन किधर है, पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन अगर पीछे की तरफ है, बॉडी की वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो रही है, ओवरऑल वेलोसिटी डिक्रीजेस, और ए पॉइंट ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो, कितनों को समझ में आया, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। अच्छा एक चीज और देखो, फोर्स की इक्वेशन कितनी थी, फोर्स वॉज माइनस के एक्स, तो एक्सेलरेशन माइनस के बाई एम इंटू एक्स कर दू क्या, तो मुझे बताओ एट पॉइंट बी वेलोसिटी इज जीरो, At point B, this point, A is maximum. कितनों को समझ में आ रहा है? देखो देखो, आपने मेन पोजिशन ये सॉरी मेन से एक्सट्रीम पोजिशन गए, x की वैल्यू सबसे ज्यादा, x की वैल्यू अगर सबसे ज्यादा है इधर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स बैकवर्ड, ये A से B बात समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे पार्टिकल ए से बी बढ़ रहा है ना, एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज मार रही है मैग्नीट्यूड वाइज, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज मार रहा है, देखो वेलोसिटी राइट साइड, एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड, ए से बी जा रहा था, ए से बी जा रहा है तो वेलोसिटी घट रही है और एक्सेलरेशन बढ़ रही है, काय को बढ़ रही है,
क्योंकि ए इज माइनस के बाई एम इंटू एक्स। बहुत खतरनाक चीज है, जिसको समझ में आ गई उसको तो अच्छा लगेगा, जिसको नहीं आई वो सर पीटेगा। नहीं आई छाप ले तो फटाफट डन लिखो, वापस समझाता कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ए से बी, फिर बी से सी, वापस यहां से आ गया, फिर सी से डी जाना होता है, डी चले गए, फिर डी से वापस ई आ गए। ये चक्कर हो गया क्या, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से अरे ये ए सी ई सेम ही पॉइंट है, नहीं चमक रहे। अच्छा चलो 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 ध्यान सुनो, अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो ये सारे ए ही पॉइंट है, ए ही पॉइंट है ना, घबराओ नहीं घबराओ नहीं। दिस वॉज फर्स्ट मोशन, दिस वॉज सेकेंड मोशन, दिस वॉज थर्ड पार्ट ऑफ मोशन, दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ मोशन। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन। व्हाट इज द सेकंड पार्ट, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मेन पोजीशन। थर्ड पार्ट क्या है, लेफ्ट की तरफ मेन पोजीशन से लेफ्ट वाले एक्सट्रीम तक। फिर फोर्थ क्या है, लेफ्ट वाले एक्सट्रीम से मेन पोजीशन तक। आई कर लो था, इसके चार पार्ट है, एक्सट्रीम सॉरी मेन से एक्सट्रीम राइट साइड, फिर एक्सट्रीम से मेन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मेन से लेफ्ट वाले एक्सट्रीम तक, चार पार्ट। ध्यान से सुनो, अब जो सेकेंड पार्ट है कौन सा, फ्रॉम बी टू ए, जो ए पोजीशन है बी से ए। अब ये देखो एक्सेलरेशन किधर, एक्सेलरेशन यहां पे मैक्सिमम था, अब एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ, वेलोसिटी भी किधर, लेफ्ट की तरफ। ध्यान से सुनो, वेलोसिटी किधर, लेफ्ट की तरफ, एक्सेलरेशन किधर, एक्सेलरेशन किधर, लेफ्ट की तरफ, वेलोसिटी किधर, लेफ्ट, एक्सेलरेशन किधर, लेफ्ट। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा। ओ भाई साहब वेलोसिटी भी लेफ्ट, एक्सेलरेशन भी लेफ्ट, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। अच्छा एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन इज माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अगर आप मेन पोजीशन से जा रहे हो तो एक्सेलरेशन घट रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है। सो एट मेन पोजीशन, एट मेन पोजीशन वी is equals to v max, a is equals to 0। चमका क्या, देखो जब ये b से a आएगा ना वापस, तो ये मेन पोजीशन से सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन आ रहा है, डिस्टेंस कम हो रही तो एक्सेलरेशन कम हो रहा, और यहाँ पे जब x is equals to 0 पे आ जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना है, 0, एक्सेलरेशन 0, बट उस समय तक वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, सारा एक्सेलरेशन उधर उधर उसको और स्पीड बढ़ा रहा था, यहाँ पे क्या हुआ एक्सेलरेशन खत्म, एक्सेलरेशन खत्म मतलब इस समय पे स्पीड उसकी मैक्सिमम है, मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, मेन पोजीशन पे फोर्स 0, बट क्या है इसका वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में, ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। अब इसके पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई तो ये क्या करेगा, फोर्स भले ही जीरो है बट इतनी वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या होती है वी मैक्स होता है, यहाँ पे वी जीरो होता है, ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू मैक्स होती है, ठीक। तो वापस लिखाएंगे घबराओ नहीं, फिर क्या होगा, फ्रॉम ए टू सी,
ए टू सी में वेलोसिटी किधर? वेलोसिटी किधर? लेफ्ट की तरफ। एक्सेलरेशन किधर बताओ श्रेया? ए से सी की तरफ जा रहा है, ए से सी की तरफ जा, सॉरी सी बोला था, इसको डी बोला था, इसको सी कर लो। ए से सी जा रहा है, वेलोसिटी तो इधर, एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है। तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? वेलोसिटी राइट साइड, एक्सेलरेशन राइट साइड, वेलोसिटी लेफ्ट साइड, एक्सेलरेशन राइट साइड। तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा, ठीक है। एट पॉइंट सी बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू ए मैक्स। कर लो जरा, मतलब यही है पूरा एसएचएम में, जिसको ये पार्ट समझ में आ गया एसएचएम आ गया, जिसको ये पार्ट समझ में आ गया एसएचएम आ गया। हुआ टू डी हो गया। लास्ट फ्रॉम सी टू ए, टू एंड फ्रो मोशन है, सी से ए जा रहे हैं अपन, सी से वापस ए की तरफ, वेलोसिटी किधर? वेलोसिटी किधर और एक्सेलरेशन किधर? वेलोसिटी किधर? यहां पे क्या है, बी जो है वो जीरो है, ए जो है ए मैक्स। डायरेक्शन बताओ भाई, जब सी से ए जा रहा हूं, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? राइट। एक्सेलरेशन किधर? एक्सेलरेशन भी राइट। तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज मारेगी। एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज मारेगा। एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा? एट पॉइंट ए वी इज वी मैक्स, ई इज जीरो। बहुत सिंपल। ठीक है, यहां पे वी जो है वो जीरो है, ए जो है वो ए मैक्स, यहाँ V जीरो है, A जो है वो A max है, यहाँ पे A जीरो है, V जो है वो B max है। छाप लो, बस इतना ही बताना था। इसको बोलते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन ये एक्सट्रीम पोजीशन,
समझ में आ रहा है क्या? एकदम ऑब्जेक्टिव सवाल है, ट्रू और फॉल्स में भी पूछता है ये। ट्रू और फॉल्स बताओ। चलो ठीक है, थोड़ी देर में ट्रू और फॉल्स भी करते हैं। हुआ छाप ले फटाफट, डन लिखो। ठीक है, मैंने आपको टाइम पीरियड तक बता दिया था, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन समझा दी। अच्छा दो टर्म्स और हैं, उसको भी देख लो। तो ये जो अपने पास में ए सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस जो फाई है अपने पास में, इसके अंदर देखो फेज होता है। फेज फेज क्या होता है? दिस क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज फेज। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फेज, दिस इज कॉल्ड एज फेज, दिस इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट नाम सुना है क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइन फंक्शन। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइन फंक्शन यहाँ पे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपको बता देगी वो इस इंस्टेंट पे एक्स की पोजिशन कितनी है। अच्छा एक होता है फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट क्या होता है? ये जो फाई है फाई, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इनिशियल फेज, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इनिशियल फेज। It depends upon the initial position and direction of velocity. फाई कॉन्स्टेंट है, इतना क्लियर हुआ? हो गया? फटाफट डाल लिखो, फटाफट डाल लिखो। अरे समझ में आ रहा है ना सबको? एकदम आज कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है, क्वेश्चन तो कुछ ये नहीं है। फेज कांस्टेंट इक्विलिब्रियम ही समझा रहे हैं आज। चैप्टर इजी है, ठीक है, जिसको बेसिक टर्म्स पता है उसके लिए तो बहुत इजी है। ठीक ओके नेक्स्ट देखो, ये हो गया। अच्छा अगर 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 ये वेलोसिटी ऐसा है a sin omega t plus phi, व्हाट इज वेलोसिटी? अगर सॉरी अगर पोजीशन x इज इक्वल टू इतनी दे रखी है, व्हाट इज वेलोसिटी?
What is velocity? Velocity is dx by dt. इसका डेरिवेटिव a sin omega t plus phi with respect to time. So this is a into omega, this is cos omega t plus phi. आ गया क्या वेलोसिटी? सबको आया? अच्छा, इसको है ना, मैं कुछ ध्यान से देखना कुछ कर रहा हूं. इसको a cos omega t plus phi लिखा मैंने, है ना. इसको मैं कुछ करना चाह रहा. देखो, क्या आपको इतना पता है sin square theta plus cos square theta ये कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है. ओके, तो ध्यान से देखना, ए साइन, ये जो कोई भी टर्म है ना, इसको फाई बोल देता हूँ, ठीक है, फाई डैश बोल देता हूँ. इसका स्क्वायर प्लस ए कॉस फाई डैश इसका होल स्क्वायर, ये कितना होगा? ये ए स्क्वायर हो जाएगा. कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर. अरे ए स्क्वायर कॉमन निकालो, नहीं चमक रहा. तो ए कॉस फाइव डैश का होल स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव डैश, ठीक है. तो व्हाट इज ए कॉस फाइव डैश? This is root under a square minus a square sin square phi dash. ठीक है, तो जरा देखो, मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा. ये क्या है? a cos ना, a cos को क्या लिख सकता हूं? root under a square minus a square sin square omega t plus phi. कितना हुआ? ये a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस, ये देखो a साइन, दिस इज x स्क्वायर. कितनों का आया? b इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज करी, इसको रट लेंगे अपन. देखो ये तो है ही है, ये तो है ही है, नो डाउट. ये है, ये भी रटना है और आपको ये भी रटना है. V is a omega cos omega t plus phi. V is equals to omega root under a square minus x square. क्या ये इक्वेशन आ गई आपको? अरे सर, सुस्त पड़ गए तुम लोग, क्या हो गया? फिर रिप्लाई नहीं आ रहा. अक्षय, आदित्य, अमय, अमित, अनगा, अथर्व, आयुष, अच्छा इसी इक्वेशन में देखो, अगर समझ में आता है आपको, ये देखो x इज इक्वल टू जीरो था, ये x इज इक्वल टू मीन पोजीशन था अपना, है ना.
एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ। अभी वापस दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो यार, अगर जिसको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही हो, ये x इज इक्वल्स टू जीरो है, ये x इज इक्वल्स टू ए है, ये x इज इक्वल्स टू माइनस ए है। देखो अभी x कितना है, a साइन ओमेगा t, मान लीजिए, मान लीजिए फाइ जो है इनिशियल कांस्टेंट जीरो है। b कितना है, a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखो जहां पे साइन जीरो हो जाए, साइन जीरो डिग्री पे साइन जीरो, बट कॉस जीरो डिग्री कितना होता है, कॉस जीरो डिग्री तो वन होता है, तो ये उसके अपोजिट चलता है। देखो जरा ध्यान से सुनना, अगर अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो डालो ना इस इक्वेशन में, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ए ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ए ओमेगा आ रहा, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हुई, ये वन, एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब वेलोसिटी कितनी, ए ओमेगा। अच्छा एक्स इज इक्वल टू ए आ गया, मतलब साइन ओमेगा टी कितना, साइन ओमेगा टी वन, जहां पे साइन ओमेगा टी वन वहां कॉस ओमेगा टी जीरो, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। या ऐसे भी करके देखो, वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर डालो, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो। बात समझ में आ रही क्या, तो एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, इस इक्वेशन से भी क्लियर है। कितों का इक्वेशन समझ में आई। अच्छा इसको माइनस, एक्स को माइनस ए डालो, तो माइनस ए का स्क्वायर भी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो ही है। कितों को समझ में आई है वेलोसिटी वाला। अच्छा तो देखो क्वेश्चन क्या देता है आपको, क्वेश्चन ये सबको समझ में आया, ये भी रटना है, दोनों ही रटने हैं। यहाँ पे मैंने माना फाई जीरो मान लिया, फाई जीरो मान लिया मैंने, बॉडी जो है वो ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही है मोशन। अब एक इसका क्वेश्चन कंप्लीट करके आज का लेक्चर खत्म करते हैं। हुआ इतना, एक क्वेश्चन देते हैं आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वेव्स में भी ऐसे ही सवाल आएंगे, वेव्स में भी ऐसे ही सवाल आएंगे। सिंपल क्वेश्चन लिखो, द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM is given as x is equals to 5 meter sine pi t plus pi by 3. Find pehla amplitude. Find amplitude of the motion. Second, time period. Third, amplitude, time period, maximum speed, phase constant. बेटा ऐसे सवाल आते हैं जिसको बच्चे को डेफिनेशन क्लियर नहीं, उसको तो नहीं समझ में आएगा। टाइम पीरियड हो गया, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो जरा। एम्पलीट्यूड कितना हुआ,
इक्वेशन देखते आना चाहिए, इक्वेशन देखते आना चाहिए। टेक करो, वन का कितना है, टू का कितना है, थ्री का कितना है, इक्वेशन देख के समझ आ जाता। अभी डेफिनेशंस देखो पीछे क्या क्या लिखा था। ऐसे सवाल भी आते हैं, वेव्स में भी ऐसे सवाल हैं। आपको तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा दिया था ये सब। वेरी गुड, एम्पलीट्यूड कितना आएगा, एम्पलीट्यूड ठीक है, कबीर, साची, प्रियांशु, मल्हार, श्रिया, एम्पलीट्यूड कंपेयर मारो ऊपर वाली इक्वेशन को। एम्पलीट्यूड सर ए होता है, तो एम्पलीट्यूड यहाँ से कितना आया जो इस इक्वेशन से मैच कर जाए। इस इक्वेशन से क्या मैच कर रहा, 5 मीटर साइन पाई टी प्लस पाई बाय 3। तो सर ओमेगा, सॉरी ए की वैल्यू तो सर 5 मीटर हो गई। सर फिर टाइम पीरियड निकालना है, सर पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ। ओमेगा कितना हो जाएगा, पाई सेकेंड इनवर्स हो जाएगा सर। ओमेगा कितना, पाई सेकेंड इनवर्स हो गया। और पाई सेकेंड इनवर्स हो गया, अब मेरे को पता है कितना टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। ये 2π, ओमेगा कितना है पाई, कितना आया 2 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना आया 2 सेकेंड, सेकेंड निकल गया टाइम पीरियड, सेकेंड निकल गया टाइम पीरियड 2 सेकेंड ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकल गया, फेज कांस्टेंट फोर्थ देख लो, कौन सा 3 हो गया ना, 1 2 3 फोर्थ कितना है, फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट कितना है 5/3, 4 हो गए क्या। और बेटा चार सवाल समझ में आए, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ढूंढना है, मैक्सिमम स्पीड ढूंढना है। मैक्सिमम स्पीड कितने होती है, ओमेगा इंटू ए। अरे अभी जस्ट देखा था ना यार, मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, ओमेगा इंटू ए। मैक्सिमम स्पीड बी मैक्स इज ओमेगा इंटू ए, ओमेगा, ओमेगा कितना है पाई, ये पाई, ये 5, तो ये 5π। समझ में आया, 5π/s वी मैक्स, value of Vmax is 5π/s। क्या यहां तक सबको क्लियर, सबको क्लियर है यहां तक, जो भी अपन ने पढ़ा आज एकदम बेसिक पढ़ा, क्लियर है तो व्हाट्सएप मैसेज करो, फिजिक्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप कर दो ठीक है। 15 मिनट बाद में अपन ऑर्गेनिक करेंगे। आज का पार्ट बहुत इजी है, चैप्टर भी बहुत इजी है। लिंक नया सेंड करूंगा ठीक है, लिंक नया सेंड करूंगा, उस पर ज्वाइन कर। आज का व्हाट्सएप कर दो अगर पूरा पार्ट समझ में आया हो, नहीं आया तो भी कर देना।